इसी एक दिन के अनशन रखने की कड़ी में पंजाब के जिला गुरदासपुर में पंजाब की मंत्री अरुणा चौधरी और हल्का विधायक हरगोबिंद बलविंदर सिंह लाडी और उनके साथ बड़ी गिनती में कांग्रेसी वर्कर उपवास पर बैठे हैं। वहीं मंत्री पंजाब अरुणा चौधरी और विधायक बलविंदर सिंह लाडी ने इस एक दिन के अनशन के पीछे की वजह देश में दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को बताया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रों में बैठी सत्ता में भाजपा सरकार की तरफ से पिछले सालों में दलितों के हक में संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया गया और उल्टा दलितों को दबाया ही जा रहा है। जड़ी बड़ी ही मुश्किलों के नाल सानू ये दिन मिलया है। साड़ी पार्टी दे साडे देश दे बहुत वड्डे वड्डे नेता ने अपनी जाना कुर्बान करके अपना बलिदान दे के भारत देश नूं आजाद करवाया सी। 70 साल असी बहुत ही भाईचारे दे नाल हर धर्म के लोग हर जाति के लोग हिंदुस्तान च वसदे ने, लेकिन पिछले 4 सालों तो जद ही मोदी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार केंद्र च बनी है, उदों दा देखा जा रहा है कि हर धर्म नू आपस च लड़ाइए, हर जाति के खिलाफ कोई गल करिए ताकि आपस च दंगे फसाद होण। इस तरह एक बिखराव की राजनीति वो कर रहे ने और तोड़न की कोशिश कर रहे ने, जिहड़ी कि बड़ी मुश्किल दे नाल सानू बड़ियां देर दे बाद सानू 200 साल की गुलामी दे बाद सानू ये दिन देखन नू मिलिया। सो अज कांग्रेस पार्टी हमेशा ही सैक्यूलर पार्टी रही है, हर धर्म का उन्होंने उन मान सत्कार कर दी है और ये कांग्रेस पार्टी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि इस देश के फिर टुकड़े टुकड़े होन। बहुत सारे शरारती अंसर, इस बहुत गहरी एक साजिश है कि जिहड़ी देश नूं फिर तो बंटवारे की ओर लैके जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होन देगी। असी डट के खड़े हाँ, हर धर्म का बराबर मान सत्कार है और असी रल मिल के जिवें पहले भाईचारे के तौर पर असी रहिंदे सी, उसे तरह हर तरह का एक एक भारत एक गुलदस्ता है जिदे दे विच हर रंग का फुल जिहड़ा उहदे सजिआ है, हर धर्म नूं नाल लैके चलदे हाँ। सो अज असी इस विरोध दे विच कि असी एक हाँ, सारे धर्म एक ने, सारियां जातां असी इकट्ठे हाँ और असी कोई दंगा नहीं चाहते, असी अहिंसा दे महात्मा गांधी जी दे दस्से हुए अहिंसा दे मार्ग ते चल के, सच्चाई दे मार्ग ते रस्ते ते चल के असी काम करांगे और एक हिंदुस्तान दा एक सैक्यूलर फेस होना चाहिदा, एक चेहरा इस तरह दा होए कि जिहड़ा हर धर्म नूं बर्दाश्त करे और आपस च प्यार दे नाल भाईचारे दे नाल इकट्ठे हो के इकमुट हो के रहण। सो इस दंगा जिहड़ा फैलाने की कोशिशां कीतियां जा रही ने, साजिशां दा असीं निखेधी करदे हां और उस दे विरोध विच अज असीं एक दिन का उपवास रखिया। सारे कांग्रेसी वर्कर और अहुदेदार इत्थे बैठे ने सवेरे 10 बजे दे आ के। सो असीं इहदा पुरजोर इहदा खंडन करदे हां और असीं इह दर्शाना चाहुंदे हां कि असीं साडा भारत एक बहुत ही डेमोक्रेसी वड्डी डेमोक्रेसी है और इहदा इहनूं बिल्कुल ही खत्म नहीं कीता जाएगा। असीं रल मिल के सारे एक हाँ, असीं इस बारे च असीं अज इत्थे बैठे हां। अज असीं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर विच साडे जिला प्रधान अशोक चौधरी की अगुवाई विच, जो कि साडे हिंदुस्तान दे कांग्रेस प्रेजिडेंट श्री राहुल गांधी जी दी दिशा निर्देशों मुताबक, पंजाब प्रदेश कांग्रेस दे दिशा निर्देशों मुताबक, जो कि जिहड़ी मोदी सरकार आ जिन्हां ने हाकम सरकार जो कि कानून नूं तोड़ करके साडे जिहड़े एससी वर्ग ने जां होर वर्गां नाल छेड़छाड़ करना चाहुंदी है, उहदे रोस वजों 2 अप्रैल बंद कीता गया सी, जिहदे विच बहुत
ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਰਨਲ, BC, SC, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ BJP ਵਾਲੇ, RSS ਵਾਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਪੰਜਾਬ TV, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।